हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मिलना जुलना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वो नेताओं का वोटरों से मिलना हो या नेताओं का आपस में मिलना। याद कीजिए, जब जयललिता ने सोनिया गांधी से चाय पर मुलाकात की थी तो अटल सरकार गिर गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं का आपस में मिलना जुलना जारी है। हाल ही में KCR ममता बनर्जी और नवीन पटनायक से मिल चुके हैं, तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने लखनऊ आकर अखिलेश यादव और मायावती से मुलाकात की। जाहिर है, विपक्षी गठबंधन को मजबूती देने के लिए तेजस्वी यूपी के अपने मिशन पर आए हैं। तेजस्वी के मिशन यूपी के राजनीतिक मायने। लखनऊ आकर अखिलेश और माया से मिले तेजस्वी। SP-BSP गठबंधन का किया समर्थन। BJP और RSS पर साधा निशाना। कांग्रेस की अनदेखी पर दिया गोलमोल जवाब। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव ने लखनऊ आकर BSP सुप्रीमो मायावती से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया और बाद में अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर तेजस्वी ने कहा कि लालू ने जो कल्पना की थी वो अब जाकर साकार हुई है। उन्होंने कहा कि देश को सही दिशा दिखाने के लिए अखिलेश और मायावती ने जो कदम उठाया है उसके लिए बधाई देने हम यहां आए हैं। देश इस गठबंधन को याद करेगा। लालू जी ने जो कल्पना करने का काम किया था आज जाकर के जो साकार हुआ है, हम इसके लिए सबसे पहले अखिलेश जी को हम धन्यवाद देने आए हैं और मायावती जी को भी हम कल मिलकर के आए, उनको भी हमने धन्यवाद दिया कि देश हित में ये आप लोगों ने कदम उठाने का काम किया है, संविधान को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए। तेजस्वी ने कहा कि मायावती और अखिलेश यादव ने जो कदम उठाया है उससे देश नागपुरिया कानून से बच पाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि CBI, ED अब BJP के पार्टनर हैं। लालू भी इस वजह से जेल में हैं। कांग्रेस के गठबंधन में शामिल ना होने पर उन्होंने कहा कि सबका मकसद BJP को हराना है, लेकिन BJP को हराने के लिए SP-BSP ही काफी है। हम कहते हैं CBI, ED अब एजेंसियां नहीं रह गई, अब वो BJP के अलायंस पार्टनर बनकर के रह गए हैं, बस उनको फायदा पहुंचाने के लिए, उनके इशारों पे चलने के लिए। लालू जी आज जेल में इसी वजह से हैं क्योंकि पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी लालू जी से खतरा समझते थे। उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि यूपी की जनता इस गठबंधन को अपना आशीर्वाद देगी। आगे यूपी और बिहार ही तय करेगा कि कौन सत्ता पर काबिज होगा। BJP के पास यूपी, बिहार और झारखंड की कुल 134 सीटों में से करीब 118 सीटें हैं, लेकिन अगले चुनाव में BJP के पास इसमें से 100 सीटें चली जाएंगी। निश्चिंत है इस बात को लेकर के, अगर आप लोग देखेंगे तो 120 सीटें, 80 सीटें यूपी में और 40 सीटें बिहार में, और झारखंड को भी अगर हम जोड़ ले तो 14 सीटें वहां की अगर ले लेते हैं तो 134 सीटें होती हैं। BJP के पास अभी लगभग NDA के पास 125 सीट के आसपास, 115-118 सीट के आसपास ये सीटें हैं करेंटली सीटिंग। ये गठबंधन होने से आप समझिए बिहार में जिस प्रकार से हम लोग मजबूत हुए हैं, वहां जिस प्रकार से हम लोगों का महागठबंधन बना है और झारखंड में भी जिस प्रकार से एकजुट हो रहे हैं लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि BJP तो ऑटोमेटिकली आप समझिए कि 100 सीट माइनस पे चली जाएगी। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी का माहौल है, संवैधानिक संस्थाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रकार से देश में जो माहौल है अघोषित इमरजेंसी का, जिस प्रकार से हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लगातार जो है
एक तानाशाह के तौर पे अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आरएसएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो कभी अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे वे आज देश की व्यवस्था पर काबिज हैं। सवर्ण आरक्षण पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मोहन भागवत काफी पहले से कहते आ रहे थे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, आज देखिए उसी दिशा में काम हो रहा है। आप देखिएगा जो अंग्रेजों के जो गुलाम रहे आज वो देश पे सत्ता पे काबिज हो चुके हैं। बंच ऑफ थॉट्स जो नागपुरिया कानून आरएसएस का एजेंडा, आप लोग जानते होंगे कि मोहन भागवत लगातार कहा करते थे पहले भी कि आरक्षण को देखते हुए समीक्षा करके समाप्त कर देना चाहिए या आर्थिक तौर पे देना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि आज यूपी में जो गठबंधन हुआ है उससे पूरे देश में खुशी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि ठोक दो, मुख्यमंत्री सांप सचुंदर की भाषा का उपयोग करते हैं। मुख्यमंत्री अच्छे हैं जो बीजेपी का संदेश देते हैं। पहले उन्होंने कहा ठोक दो, और ठोक दो का असर यह हुआ कि जनता किसको ठोके, पुलिस किसको ठोके, वो सोच ही नहीं पाए। फिर मुख्यमंत्री जी की भाषा और बीजेपी के लोगों की भाषा रही कि ये तो सांप छछूंदर हैं, वो भी परिणाम देख लिया। एक जगह मुख्यमंत्री जी ने कहा और बीजेपी के लोगों ने कहा कि दम हो तो आंखें दिखा दो, वहां भी जनता ने जवाब दे दिया। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार थोड़ी ही जा रही है कि हम नाक रगड़ें, जिनकी सरकार जा रही है वो लोग नाक रगड़ें। अभी अभी अखबारों में कुछ छपा है, ऐसा छपा है कि पढ़ें तो समझ में नहीं आता कि क्या करें इसका। अरे भाई हम क्यों नाक रगड़ेंगे, हमारी सरकार थोड़ी जा रही है, जिसकी सरकार जाएगी वो नाक रगड़े। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि वो कितना भी कुछ कह लें हम अपनी समाजवादी लोग भाषा नहीं बदलेंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बाकी बची 2 सीटों पर आरजेडी के साथ गठबंधन का ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।